व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यूज वीडियो। और ये भी होने वाली है भाई काफी इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम के करो सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहली न्यूज निकल कर आ रही है लैन इवेंट के रिलेटेड। जैसा कि हम सबको पता चल गया था कि लोगो एक्स नोर्डविन का होने वाला है एक लैन इवेंट 26 से लेकर 28 के बीच में। बट उसमें हल्का सा कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई ये इवेंट होने भी वाला है या नहीं, क्योंकि किसी भी प्लेयर के पास कोई भी कंफर्म मैसेज नहीं आया था। और कल जो लोगों ने एक पोस्ट डाला था लैन इवेंट के लिए वो उन्होंने आज सुबह डिलीट भी कर दिया था। बट गाइस अब ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि 26 से लेकर 28 के बीच में लैन इवेंट होने वाला है, क्योंकि जस्ट फ्यू मिनट्स अगो लोगो एक्स नोर्डविन ने डाली ये रील वीडियो जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है कि लैन इवेंट होने ही वाला है। और उसी के बाद घातक भाई ने भी इंस्टाग्राम पर डाली थी एक स्टोरी जहां पर हम देख सकते हैं कि रखी हुई है लैन वायर, ऊपर उन्होंने उसमें लिखा इज दिस अ साइन। सो गाइस ये तो अब कंफर्म हो चुका है। वैसे आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस नेक्स्ट न्यूज है टीम गोल्डलाइक के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है नियो भाई की तरफ से। उन्होंने अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में कंफर्म किया कि लैन इवेंट में टीम गोल्डलाइक की टॉप 4 कौन होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लच गॉड के आने वाले हैं एग्जाम, तो ये कंफ्यूजन था कि क्या क्लच गॉड टीम को वहां पर ज्वाइन करेंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी नियो भाई ने अपनी स्ट्रीम पर बोला वो आप अब स्क्रीन पर सुन सकते हो। लाला लाला आएगा, लाला डायरेक्ट लाइन पे आएगा, प्लेइंग पर हम लोग ही रहेंगे, लाला एज अ सब्स्टिट्यूट रहेगा, अगर खराब गया तो लाला खेलेगा। और गाइस क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैन इवेंट की, तो नेक्स्ट न्यूज है टीम टेक स्पार्क के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है अल्ट्रॉन भाई की तरफ से, जहां पर उन्होंने भी अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में कंफर्म किया कि इस लैन इवेंट में टेक स्पार्क की टॉप 4 कौन खेलने वाली है। और साथ ही में उन्होंने बताया कि इसमें मावी भाई नहीं खेल पाएंगे क्योंकि मावी भाई को हो गया था कोरोना। तो अपनी टीम की टॉप 4 को कंफर्म करते हुए जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रीम पर बोला वो आप अभी स्क्रीन पर सुन सकते हो। देखो लैन लाइनअप का ऐसा है, मावी पाजी तो नहीं खेल पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो उनको कोरोना है और ऑब्वियसली बात है वो नहीं खेल सकते, तो मावी पाजी तो नहीं खेलेंगे। बट बाकी मैं स्काउट भाई 420 और देखते हैं फोर्थ मैं पतली बस जायरो फियरलेस में से एक खेलेगा, वो देखो जायरो खेलता क्या करता। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है केविन ईस्पोर्ट डेस्ट्रो की तरफ से, क्योंकि उनकी टीम को नहीं मिल पाया स्लॉट फॉर लैन इवेंट, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली कुछ स्टोरीज जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट वी गेट एन इवेंट, देन द इवेंट गेट कैंसल्ड, द रीजन दे गिव वाज ड्यू टू कोविड, लेटर द इवेंट पॉप अप अगेन, देन हियर कम्स रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ टीम बाय अ गाय हू सेज ही वांट टू हैव द ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम ग्रो एंड मेजोरिटी ऑफ रूटर स्पॉन्सर्ड टीम स्लॉट्स गेट कैंसल्ड। जहां पर बेसिकली उन्होंने यही बात की कि पहले इवेंट होने वाला था लेकिन उसके बाद एक न्यूज आई थी कि कोविड की वजह से ये इवेंट नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद वापस से न्यूज आई कि ये इवेंट होने वाला है और उन्होंने टीम लिस्ट को भी रिवाइज कर दिया, जिसमें कि मेजोरिटी टीम्स जो कि हैं रूटर से स्पॉन्सर्ड उनको स्लॉट नहीं मिला। और आगे उन्होंने इसमें लिखा जब हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से पूछा कि हमारा स्लॉट डिनाई क्यों कर दिया तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और एंड में उन्होंने इसमें लिखा प्रोफेशनल एंड ई स्पोर्ट इज अ जोक नाउ, परफॉर्म भी करो एंड फिर ये सब झेलो डिजर्विंग होने के बाद भी। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। जैसा कि इस लैन इवेंट में खेल रही है केवल 16 टीम्स ही, तो कुछ टीम ऐसी रह गई जिनको की स्लॉट इस बार नहीं मिल पाया, तो उसके रिलेटेड गोल्डी भाई ने जो भी अपनी स्ट्रीम पर बोला वो आप अभी स्क्रीन पर सुन सकते हो। मतलब वो कंफ्यूजन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग्स यू नो स्लॉट्स का चक्करबाजी है। तो बेसिकली ये इवेंट जो है इट्स अ लोको सेलिब्रेशन फॉर द BGMI कम्युनिटी प्लेयर्स हु आर एसोसिएटेड विद लोको। पीपल सम पीपल हैव मेड स्ट्रांग क्लेम्स दैट XYZ प्लेटफॉर्म के साथ जो लोग एसोसिएटेड है उनको नहीं बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। OR has been invited, OR is coming to, it's strictly invitational. So invitational event में जिसको invite करने चाहेंगे उन्हीं को तो बुलाएंगे ना। और गाइस नेक्स्ट निकल कर आती है रुचिंद्र सिन्हा जो कि है CEO एंड फाउंडर ऑफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेज ईशान आर्य जो कि है co-founder ऑफ द ई स्पोर्ट क्लब। जहां पर सबसे पहले ईशान आर्य ने किया एक ट्वीट जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर उन्होंने लिखा सो मच फॉर टेकिंग अ ब्रेक टू प्ले डायरेक्टली इन द फाइनल, टेक नथिंग अवे फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग, सो एन अपॉर्चुनिटी, शोड नो मर्सी, गुड गेम वेल प्लेड। जहां पर बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि एक ब्रेक लेने के लिए कुछ लोग कुछ ज्यादा चीजें कर रहे हैं ताकि उनको फाइनल के लिए डायरेक्ट स्लॉट मिल जाए, जो कि मुझे लगा था टुवर्ड्स ग्लोबल ई स्पोर्ट। तो उसके रिप्लाई में रुचिंद्र सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर डाली एक स्टोरी जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर उन्होंने लिखा यू डिसरिस्पेक्ट माय टीम, यू डिसरिस्पेक्ट मी एंड आई विल नॉट स्टैंड फॉर दैट। ग्लोबल ई स्पोर्ट इज ऑफिशियली पुलिंग आउट एंड कटिंग ऑल टाइज फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम द ई स्पोर्ट क्लब। यहां पर उन्होंने टैग किया ईशान आर्या को इज एसोसिएटेड विद द ब्रांड, शेमफुल बिहेवियर फॉर एन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर। जहां पर बेसिकली उन्होंने ये लिखा कि ग्लोबल ई स्पोर्ट ऑफिशियली
ऑफिशियली अपने सारे टाइज को कट करिए प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में द ई स्पोर्ट क्लब के लिए। और आगे उन्होंने इसमें लिखा, जस्ट बिकॉज वी चूज नॉट टू प्ले इन योर इवेंट सो आर प्लेयर कैन फोकस ऑन देम सेल्फ डज नॉट गिव यू द राइट टू टॉक शिट अबाउट देम। इफ यू कांट बी प्रोफेशनल देन वी विल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू और व्हाट यू स्टैंड फॉर। तो बस गाइस आज के लिए फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतनी न्यूज थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड नाइट एंड अ गुड डे। बाय बाय।